कि मैं आज से इसका पार्ट नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट न सही समाज का पार्ट है, जिसका उन्होंने हामी भी भरी है कि मैं साथ में रहूँगा। यानी साथ में रहने का मतलब ये नहीं है कि एक सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी पॉलिटिकल विंग में आ जाए, वो नहीं आना चाहिए और आना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एज ए शैडो हम जरूर काम कर सकते हैं और आज तक करते आए। ये हमने हमारे जो महापुरुष रहे हैं उन्हीं से सीखा है, कांशीराम जी बाबा साहब के एक सच्चे सिपाही थे। अब चूंकि हमने उनसे सीखा कि हम पॉलिटिकल फ्रंट में काम नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट के लिए काम करेंगे, काम फ्रंट में नहीं करेंगे लिए काम करेंगे, तो वही संस्था मेरे ख्याल से आप सभी अवेयर हैं, सभी जानते हैं कि उन्होंने 1978 में बाम सेफ के नाम से बनाई थी, पूना में उसका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में करीब करीब 25 साल में रहा, पूना में भी रहा, जहाँ पर साहब कांशीराम जी थे उस ऑफिस में, उसके पास ही मेरा ऑफिस था, नागपुर में रहा, और बड़े नज़दीकी से, बड़े कहना चाहिए अंदर जाके मैंने उसको देखा, बड़े अप्स एंड डाउन्स हुए बहुत, आप सब अवेयर हैं, सबको मालूम है, क्योंकि तो जितने भी लोग यहाँ आए हैं कोई नए नहीं है, ये मैं जानता हूँ, कुछ थोड़े से यूथ को छोड़ के, और जो भी यूथ भी हैं वो मुझे परिपक्व से लगते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में आने के लिए जो आदमी आया है वो ना समझ नहीं हो सकता। जैसे कि देशराज जी ने बोला है कि हमारे को इच्छा है कि इस देश में कि स्ट्रॉन्ग फोर्स तैयार हो जाए, हमारे महापुरुष भी यही चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब, बाबा साहब का नाम तो सभी ने सुना ही है, अम्बेडकर साहब का, उन्हीं का काम कर रहे हैं हम सब लोग, तो जब उनका काम कर रहे हैं और उनके जो सब सिपाही रहे कांशीराम जी उनका भी हम काम कर रहे हैं, तो वो तो अब आएंगे नहीं हमको कुछ बोलने के लिए, अब हम लोगों में से ही कुछ कांशीराम जी बनने की कोशिश करनी है, बाबा साहब बनने की कोशिश नहीं, कांशीराम जी बनने की। ये संस्कार होते हैं, ये डिसिप्लिन होता है, और घर भी तभी चलते हैं जब हम अपने बुजुर्गों का थोड़ा ख्याल करेंगे, नहीं तो हालत तो आप देख ही रहे हैं बुजुर्गों की क्या हो रहा है। एनीवे, मैं बात कर रहा था कांशीराम जी। कांशीराम जी ने इस देश में, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, थोड़ा सा दो चार मिनट आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी की बात कर दी है तो थोड़ी सी मैं आपसे बात करूँगा, शेयर कर रहा हूँ, और आपकी भी सुनूंगा। इस व्यवस्था परिवर्तन का जो जिम्मा कांशीराम जी ने उठाया था एक योजनाबद्ध तरीके से, और वो 1978 में हुआ, वो कर तो रहे थे 1964 से, जैसे उन्होंने ज्वाइन किया गवर्नमेंट ऑफ 64 से 68 तक उन्होंने एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन बनाते रहे, नौकरी भी छोड़ी बाद में, लेकिन 78 में आके उन्होंने उसको मूर्त रूप दिया, और वो इसीलिए दिया कि हम इस देश में कुछ करें। अब हम कांशीराम जी की तरफ सोचते रहे या देखते रहे कि शायद कांशीराम जी आए कुछ करें, पॉसिबल नहीं है। हमारा फर्ज बनता है कि जैसे कांशीराम जी ने बाबा साहब का झंडा उठाया था, अब हम उनके जो सिपाही कांशीराम जी के हम बने, ये हमने कोशिश करने की कोशिश करी। और जब मुझे लगा कि हमारे यहाँ, मैं करीब 4-5 साल से आपके दिल्ली में हूँ, इससे पहले मैं उत्तराखंड में था 8-10 साल, 25 साल महाराष्ट्र में था, 2-4 साल MP में था, 2-4 साल में तमिलनाडु में था, इस तरीके से 7-8 स्टेट में घूम लिया हूँ। अब वो घूम घूम कर मैंने ये देखा, पुरानी बात है,
उसको नहीं दोहराऊंगा, अभी की बात करूंगा। यानी पहले भी वही बात थी और आज भी वही बात है और आगे भी वही बात रहनी है, ये ध्यान रखिए कि हम अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि एक हो जाए। बाबा साहब का स्लोगन सबको याद है, सब दुआई देते हैं हर 14 अप्रैल को, हर किसी फंक्शन में, हर किसी मीटिंग में, जब भी मौका मिलता है बाबा साहब की जय बोलते हैं, क्रांतिकारी जय भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अपनी अपनी मर्जी से, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है बोलते हैं, बोलना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं, बोलना चाहिए, लेकिन उस बोलने का कुछ मकसद होना चाहिए, उस बोलने पर कुछ गौर करना चाहिए। संगठित रहो, बड़े आराम से बोलते, बड़े जोर से, जय भी हम सभी नारा दे पाते हैं बैठे होते चुपचाप, जैसे मैं यहां खड़ा हुआ हूं ना, ऐसे हमारे साथी खड़े होके हमसे बोलते हैं कि जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, काम उस जय भीम से नहीं चलेगा, काम चलेगा उनका जो काम बचा हुआ है उसको ईमानदारी और सच्चाई से करने का, एक जिम्मा लेना पड़ेगा, एक संकल्प करना पड़ेगा आपको। और इस 5 साल में जब मैं देखा दिल्ली में आके खासकर कि हमारे बहुत से साथी, आप सभी लोग यहाँ सामने हैं आज, इस कोशिश में लगे हैं कि समय आ गया है, स्लोगन तो बहुत सुन लिया और दे लिया, संगठित रहो, अब संगठित हो गए। जब मैंने इस बाबत बात डॉक्टर देशराज जी से करी या मैंने देखा उनका कुछ रवैया अच्छा लगा मुझे तो सबका रवैया अच्छा ही लगता, क्योंकि मैं कोई अधिकारी नहीं हूं उनका कोई टीका टिप्पणी करने का, मेरे कहने से कुछ होता तो नहीं, सब अच्छा काम कर रहे हैं ये भी मैं जानता हूं, कोई गलत काम नहीं कर रहा, लेकिन अपने अपने मतलब का कर रहे हैं। जरूरत है बाबा साहब के मतलब का काम करने की। जब हम जय भी बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोल देते हैं, काशीराम जी की जय बोल देते हैं, पता नहीं फुले की बोलते हैं, पेरियार की बोलते हैं, साहू की बोलते हैं, पता नहीं कितनी जय बोलते हैं, लेकिन एक ही जय बोलना काफी है अगर हम उसकी बात पर गौर कर रहे हैं। तो मैं कहने का मेरा मतलब यह है कि जब मुझे लगा कि डॉक्टर देशराज के अंदर वो फीलिंग आ रही है कि नहीं सर मुझे एक एफर्ट्स करना है, और वो एफर्ट्स ये करना है कि मुझे कोई मेरा स्वार्थ नहीं देखना, मुझे इस देश में पर्टिकुलरली दिल्ली में, क्योंकि अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, देश बाद में आएगा, और ये मैं जानता हूं कि जिसने दिल्ली फतह कर ली उसने देश फतह कर लिया, ये मेरा बड़ा बहुत अद्भुत विश्वास है। तो एक आपके लिए सैंपल, एक मॉडल है जो बात अभी डॉक्टर देशराज ने आपके सामने करी, बड़े गौर से आप लोगों ने सुनी और मैंने भी सुनी, मैं समझता हूँ आपको दोहराने की कोई जरूरत नहीं किसी भी वक्त, वो अपने आप में आज का एक स्टेटमेंट है, वो शायद मीडिया ने अभी ले लिया है, वो स्टेटमेंट, तो उस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है कि जो आप बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम संकल्प ले रहे हैं, जिस काम के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपना समय, अपना पैसा, अपना शक्ति, एनर्जी दे रहे हैं, उसको किसी काम तक तो पहुँचाए, नहीं तो सिर्फ आए हाय हेलो हुई, जय भी नमो बुद्धाय हुआ, चाय पी, खाना खाया और फिर चले गए। ऐसा हो रहा है, मैं पिछले 5 साल से पर्टिकुलरली दिल्ली में ऐसा हो रहा है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं दिल्ली के बारे में, यह मुझे विश्वास है, क्योंकि नाम लेना तो हो सकता है किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन ये हो रहा है, ये मुझे दिल में देख रहा हूं, और जो देख रहा हूं वही बात कर रहा हूं, और जो हो रहा है वही बात कर रहा हूं, मुझे कोई बनावटी बात करने की आदत नहीं है, शुरू से ही नहीं, कोई किसी की एक चाटुकारिता या किसी की गलत झूठी प्रशंसा करना मेरा उसूल नहीं रहा, ना मैं अपनी जय जयकार करता ना किसी की करता, किसकी जय जयकार, किसका मान सम्मान क्या है, अरे कितना सम्मान है हम सबको मालूम है हमारा देश में,
मैं आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, और जब नौकरी छोड़ के आता है घर में, या उसके भाई जो नौकरी में नहीं है उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, असली सम्मान वहां है। ये कुर्सी का सम्मान छोटा सम्मान है, मैं उसको नहीं मानता। और मैं आपको बता दूं कि मैं करीब करीब 38-40 साल नौकरी में रहा डिफेंस में, ठगेरा जी जानते हैं शायद, हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत से हमारे मित्र आज बड़े बड़े एमपी और मिनिस्टर भी हैं, बहुत से बड़े बड़े आदमी भी हैं, बड़े बड़े योजनाएं से चलाने वाले, लेकिन कमियां हैं, उन कमियों की तरफ मैं हमेशा इशारा करता हूँ, हर आदमी से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इनको छोड़ो, ये झूठा ईगो जो पाल के चल रहे हो आप, इसको छोड़ो, जब तक ईगो लेके चलोगे समाज में कुछ नहीं होगा। मैं आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, मैं उससे सीनियर हूँ, मैंने इतना काम किया, मेरे साथ इतने लोग हैं, बस वहां पर मैं एक ही बात बोल देता हूँ उनको, टॉस हुआ की बात है, मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ ये मौका मिलता है, The distance we have gone is less important than the direction in which we are going. कहने का मतलब यह है कि दूरी कितनी हम चले, अलग 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 दिशाओं में बहुत चले, चल रहे हैं हम लोग साथ, उसकी उतनी महत्ता नहीं है, उसका उतना कहना चाहिए इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस इस बात की है कि आप किस डायरेक्शन में चले, दूरी से मतलब नहीं है, डायरेक्शन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का डायरेक्शन क्लियर है, सब पढ़े लिखे लोग, सब पढ़े बड़े नेता लोग जानते हैं, और हमारे जैसे जो वक्ता आपके सामने खड़े हो जाते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन बेईमानी करते हैं वो अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति बेईमानी करते हैं, मैं दावे से कह रहा हूं। मैंने 38-40 साल के दौर में मैजिस्ट्रेट अफसर भी रहा, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही हो गया, स्टाफ भर्ती हुआ, मैजिस्ट्रेट अफसर रिटायर हुआ क्लास वन, और कोई बात नहीं, और उस दौरान मैंने जो देखा है वो चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मैं अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्यों, मुझे ये भी ध्यान है कि मुझे माइक को दे दिया, कहीं मैं बेईमानी न करूं, ये भी बेईमानी है कि इतने लोग बैठे हैं और उनको सुनने के बजाय मैं अपनी सुनाता रहूं, वो भी गलत है। तो मुझे ये मालूम है कि आप सब लोग जो आए हैं, जैसा कि आज का प्रोग्राम सेट है, उस प्रोग्राम के हिसाब से उस मंजिल तक जाने के लिए, इस यूनिटी को कामयाब करने के लिए आप और हम क्या सोचते हैं, कहाँ रंगना है, क्या पॉसिबल है या कैसे होगा, ये भी हमारा और आपका ही काम है। आप अपने अपने विचार देंगे, मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो मुझे थोड़ा बताना जरूरी भी था, बहुत से लोग मुझे नहीं जानते, मैं बहुतों को नहीं जानना, लेकिन जानकारी ऐसी होती है, जब तक हमारा एक दूसरे से अपना शेयर नहीं करेंगे न्यूज तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। तो आज मैं गुजारिश आप सब लोगों से करता हूं, ये भीड़ नहीं है जो आप लोग हैं, डॉक्टर देसराज ने मुझे पहले बताया था कि भीड़ नहीं है, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप एक एक करके समय का ध्यान रखते हुए अपनी अपनी बात शेयर करें, और ये बताएं हमें कि हम क्या सही सोच रहे हैं, क्या एकता पॉसिबल है, और अगर एकता पॉसिबल है तो कैसे है, ये दो चीज का ध्यान रखिए। बहुत सी चीजें क्लियर आपको उन्होंने कर दी है, मुझे उस बारे में ज्यादा बोलना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना जरूर सुनना है आप लोगों से, जो मैं सुनता आया हूँ आज तक, अपनी नॉलेज बढ़ाता रहता हूँ कि अब हमारी एकता कैसे हो। मैंने भी अपना ओपिनियन तैयार किया, ऐसा नहीं है, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, पहले मैं सुनूंगा, फिर मैं सोचूंगा कि मैं आपसे कब शेयर करूं। तो अभी मैं इस अनुरोध के साथ, मैं समझता हूं कि नाम न ले ज्यादा अच्छा है, और नाम ले तो देसराज जी ले, मैं तो आपको बहुतों को नहीं जानता,
जब मुझे उन्होंने सौंप दिया कि आप आरजी सिंह चलाएंगे तो मेरे लिए मुश्किल काम होगा। तो या तो आप अपने आप का व्यू शेयर करें और बताएं, खास मुद्दे यही है पर्टिकुलरली दिल्ली के लिए, अभी दिल्ली स्टेट के लिए पहले हम ट्राई कर रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं, सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं कि दिल्ली में हम लोग किस तरह से एकता ला सकते हैं, और जब एकता आ गई तो फिर आप किस तरह से जो अलायंस की बात कर रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक अलायंस, अलायंस बहुत है, एनडीए भी अलायंस है, यूपीए भी अलायंस है, हमारा एक एनडीए हमारे साथियों ने बनाया वो भी अलायंस है, हमारा एनडीए भी अलायंस है, और भी पता नहीं अलायंस होंगे और भी बनेंगे, लेकिन मेरा अनुभव जो 4-5 साल से रहा है वो ये रहा है कि तुमके साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम अलायंस तो बनाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन ईमानदारी से और सच्चाई से उसका पालन नहीं करते। तो इस उम्मीद के साथ कि हम थोड़ा बोले थोड़ा चले लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से चले, जो व्यूज है यहाँ पर तो मन में न रखें, मन के उद्गार बाहर निकालें और क्लियर कट बोले कि साहब ऐसे हो सकता है, अपने व्यूज शेयर करें, आप सब लोग बुद्धिमान हैं, आपके विचारों की जरूरत है, इससे तो निकल के आएगा फाइनल, हमें आप मिलकर करना होगा, या कोई अपने आप में ऐसा नहीं है वही सबसे ज्यादा जानता हूं, अगर कोई सज्जन ये कहे या मैं कहूँ कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैंने 50 साल सबसे फील्ड में काम किया है, तो मैं नंबर वन बुद्धू हूँ, बुद्धू को जानते हैं, विद्वान नहीं, विद्वान वो होता है हर आदमी का भाव इज्जत करें, हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ है, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चा हो या जवान, उसमें से जो जरूरत की चीज है वो लें और उसको फिर निकाल के एक अच्छा सा अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए, अच्छा सा अपना ओपिनियन फॉर्म करें, और आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीना और जितने लोग आप रात और दिन दुआई देते हैं, जय जयकार करते हैं, उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में आज के दिन को लें, मैं समझता हूँ हमारा एक परम कर्तव्य हुआ। तीन बातों के साथ मैं बैठता हूँ और आप लोग अपना अपना जैसा मैंने कहा है मेहरबानी करके समय का ध्यान रखते हुए सबको मौका दें और सब अपनी बात करें और अलायंस और यूनिटी के लिए क्या करें कैसे करें आज ठोस नतीजा निकालें और दिल्ली को फतेह करें, पहले दिल्ली फतेह करें उसके बाद बाद में काम करें। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।